नमस्कार, सुपर फास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, पिछले कई महीनों से बीमार थे। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। जोधपुर में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया। ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें याद करते हुए कहा, जसवंत सिंह एक वीर सैनिक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शोक जताया। जसवंत सिंह के निधन पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शोक व्यक्त किया। कैलाश चौधरी ने कहा, जसवंत सिंह के निधन से मारवाड़ समेत पूरे राजस्थान और देश के साथ ही उनके लिए व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता ओम माथुर ने जसवंत सिंह के आवास पर पहुंचकर पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया। डूंगरपुर में उपद्रवियों की हिंसा का आज पांचवा दिन। हालात अब भी बेकाबू। खेरवाड़ा कस्बे में लूटपाट और आगजनी। NH-8 पर फायरिंग में दो लोगों की मौत। डूंगरपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हालातों की समीक्षा। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, कोई भी कानून हाथ में ना ले। डूंगरपुर जिले में भड़की हिंसा को सीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ट्विटर के माध्यम से सीएम ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही प्रदर्शनकारियों से सीएम ने अपील की, कानून व्यवस्था को भंग ना करें। डूंगरपुर हिंसा का पंचायत चुनाव पर असर। उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान स्थगित। डूंगरपुर हिंसा और उपद्रव मामले में खेरवाड़ा पंचायत समिति में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में निकलकर कैबिनेट मंत्री अर्जुन बावनिया मीडिया से मुखातिब हुए। मंत्री ने कहा कि वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। राजस्थान में टीचर भर्ती आरक्षण की मांग। पिछले चार दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी। पहाड़ियों पर बैठे उपद्रवियों ने किया पथराव। खौफ में कस्बे के वासी, मौके पर पुलिस बल तैनात। डूंगरपुर में उपद्रव मामले में डीजीपी भूपेंद्र सिंह का बयान। रैपिड एक्शन फोर्स समेत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। जान माल की रक्षा के लिए पुलिस को चलानी पड़ी गोलियां। दो लोगों की मौत, दो लोग घायल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को देंगे कई बड़ी सौगात। 1332 करोड़ की लागत के 68 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। दांतली आरओपी का भी करेंगे लोकार्पण। देश में कोरोना संक्रमण 59 लाख के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 88,600 नए मामले सामने आए। एक दिन में 1,124 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार दो दिन कोरोना वायरस की वजह से 40 से ज्यादा मौत। शनिवार को कोरोना से 40 मौत, पिछले 70 दिनों में सबसे ज्यादा। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 1,28,000 के पार। रविवार को रिकॉर्ड तोड़ 2,084 नए पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा जयपुर में 373 और जोधपुर में 290 केस। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में अव्यवस्था के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जांच कराने पहुंचे मरीजों का कहना है, सुबह 9 बजे से सभी लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन 11 बजे तक कर्मचारी मौजूद नहीं। बांसवाड़ा जिले में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। जिले के MG चिकित्सालय की कोरोना लैब से जारी रिपोर्ट में 15 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें शहर के 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले। जोधपुर में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक के लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर, तमाम अधिकारी रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने देर रात एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंचायत चुनाव को लेकर देर रात बीकानेर के छतरगढ़ कस्बे में दो पक्ष आमने सामने आ गए। आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से लाठी भाटा जंग हुई। निमका थाना इलाके में पाटन में रॉयल्टी नाके पर लूट के मामले में पाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानसूर के चतरपुरा गांव में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आपसी रंजिश को लेकर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला के हाथ से अलग हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अलवर जिले के खैरथल थाने के में बिना डॉक्टर के डिग्री के क्लिनिक चलाने वाले फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली के पास आई शिकायत के बाद मेडिकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोटा में सीआईडी इंटेलिजेंस कांस्टेबल पर फायरिंग के मामले में अब 24 घंटे के बाद 40 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हुई। झालावाड़ में जिला चिकित्सालय में देर रात एक महिला को गंभीर रूप से झुलसी हालत में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार जारी है। रामगंज मंडी क्षेत्र के अल्डाई गांव में महिला घर में गंभीर रूप से झुलस गई। भरतपुर के पहाड़ी थाने के गांव घिसेड़ा में दबंगों द्वारा दलित परिवार पर अत्याचार का शर्मनाक मामला सामने आया। दबंगों ने दलित परिवार के बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं पर लाठियां बरसाई। जोधपुर के भोपालगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब समेत पिकअप गाड़ी और तस्कर को दबोचा है। पकड़ी गई अवैध शराब पंचायत चुनाव में वोटर्स को बंटनी थी। उदयपुर के केसरिया पुलिया पर एक दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। टैंकर गिरने से सारा दूध बहने लगा, वहीं चालक कैबिन में ही फंस गया। पुलिस ने फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। अजमेर के व्यावर में खेत से नील गाय भागने के लिए चलाई गई गोली एक युवक को लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, हालात गंभीर होने की वजह से युवक को उच्च चिकित्सालय रेफर किया गया। जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में एक पति पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मथुरा दास हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवा दिया। टोंक के गुलजारबाग स्थित मकान में भीषण आग। एसबीआई के एजीएम महेश शर्मा के मकान में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा मनोहर थाना मार्ग पर एक सड़क हादसे में करीब 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अकलेरा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस हादसे में पिकअप सवार 15 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष श्रमिक गंभीर रूप से घायल। सीकर शहर के दंग की नसिया के समीप एक कॉम्प्लेक्स में अचानक से आग लग गई। रात गारमेंट में आग की घटना बताई जा रही है। जालौर में पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने निरीक्षण किया। मतदान रवानगी से पहले तैयारियों का जायजा लिया। परबतसर पंचायत के अधीन 42 पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव होने हैं। अब इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अजमेर ग्रामीण और केकड़ी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मतदान दल प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ है। अजमेर ग्रामीण की 2 और केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में से चुनाव आयोजित होने वाले हैं। बांसवाड़ा एसपी काविंद्र सिंह सागर की पूरी तरह से सतर्क नजर आए। डूंगरपुर जिला बांसवाड़ा से सटा हुआ है और वहां के तनाव की आग जिले में नहीं पहुंची, इसके लिए बांसवाड़ा पुलिस पूरी तरह से तैयार। बीकानेर के वल्लभ गार्डन इलाके में गंदे पानी का बंधा टूट गया, जिसके चलते गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं कई ऐसे मकान भी सामने आए जिसमें पानी के चलते दरारें आ गई हैं। राजस्थान जिले के बिनोल में राज्य सरकार द्वारा स्कूल बालिका स्कूल का नाम करण शहीद नारायण लाल गुर्जर के नाम पर दिया गया। नागौर जिले के डिडवाना रिया और बड़ी और लाडनू के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई। पककर तैयार खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ। सीकर के पंचायत समिति पिपराली इलाके में पिपराली गांव के युवाओं ने अपने गांव में खेल मैदान नहीं होने और खेल मैदान में सुविधाओं का अभाव दूर करने की मांग को लेकर चुनाव पंचायत का बहिष्कार करने की घोषणा की। जालौर के रानीवाड़ा पीएचडी विभाग की लापरवाही। पीएचडी डब्ल्यू पी
पीडब्ल्यूडी विभाग पर भारी पड़ गया है। लगातार पानी के भराव के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की हालत खस्ता। साधन शहर में मौसम ने शाम को अचानक से पलटा खाया, देखते ही देखते बादल छा गए, अंधड़ के साथ बरसात शुरू हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री श्याम सखी दरबार की ओर से मासिक कीर्तन लक्ष्मी टॉकेज रोड पर निवास पर आयोजित किया गया, जिसमें श्याम सखियों ने पूर्व की तरह पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रेलवे वॉलीबॉल क्लब द्वारा 2 दिवसीय सेमी शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। चित्तौड़गढ़ शहर में कोटा के मार्ग पर लंबे समय से मेगा हाईवे मार्ग के लिए कवायद जारी है, पर वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के चलते काम पूरा नहीं हुआ। वैसे में राज्य सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वन विभाग की अड़चने दूर हुई। राजस्थान की कुंवारिया में सुअरों के आतंक से लोग परेशान हैं। खेत में रात को सुअरों का भीतर आना फसलों को नुकसान दे रहा है। काश्तकारों ने विभाग से मुआवजे की मांग की। चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ सरस दुग्ध उत्पादक संघ के सरल पार्लर एंड स्वीट्स और फास्ट फूड के लजीज व्यंजनों का शुभारंभ हुआ। अभिलेश पार्लर पर चित्तौड़ और भीलवाड़ा के सरस के कोल्ड प्रोडक्ट्स के साथ हॉट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। धौलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने जिले की बड़ी पंचायत समिति के सरपंच चुनाव निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर परिषद सभागार में बैठक की। झुंझुनू में तीसरे चरण के पंचायत राज चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किए गए, मतदान 6 अक्टूबर को। धौलपुर की बसेड़ी के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसान बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये किसान विरोधी बिल है, अन्नदाता के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं। अलवर के बांसुर में फर्जी QRT कमांडो का खौफ है। बांसुर प्रशासन की आड़ में ये लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं। क्षेत्र में लगातार अवैध वसूली की शिकायतें आ रही हैं। बीकानेर में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रथम चरण में होने वाले चुनावों के लिए पोलिंग दल रवाना किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कस्बे के बस स्टैंड पर पानी भर गया। जोधपुर में फलोदी पंचायत समिति की मलार और जोड़ ग्राम पंचायत के लिए होने वाली मतदान प्रक्रिया को लेकर पोलिंग पार्टियां SDM यशपाल आहूजा के दिशा निर्देशों पर रवाना। पेंशनर समस्या निराकरण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष SM संचेती ने विज्ञप्ति निकालकर ललित मोहन शर्मा को महामंत्री पद पर मनोनीत किया। भरतपुर की कामा पंचायत समिति क्षेत्र के 17 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए 28 सितंबर को मतदान किया जाएगा और इसके लिए भरतपुर के MSG कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। पिसांगन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने कीटनाशक दवा खा ली। युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को अजमेर रेफर किया गया। युवक के होश में न होने की वजह से पुलिस बयान दर्ज नहीं कर पाई। हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन पर आज एक युवक ने फुटब्रिज से लटक कर आत्महत्या कर ली। युवक के इस तरह सरेआम आत्महत्या करने और पुल के नीचे शव लटके रहने से सनसनी फैल गई। IIT की 11 सीटों पर प्रवेश को लेकर देशभर में JEE एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। भरतपुर के गोवर्धन गेट क्षेत्र में बीती रात कुछ बदमाशों ने ATM उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर लोगों की आवाजाही के चलते बदमाश भाग गए। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण में होने वाले खाजूवाला पंचायत समिति के चुनाव के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। चुरू के सरदार शहर थानाधिकारी सतीश यादव को दलित समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप कर धीर देसर से गायब हुई एक लड़की के परिजनों को सुपुर्द करने की मांग की है। प्रतापगढ़ जिले में जिला कलेक्टर की सिफारिश पर जिले के 3 उपखंड क्षेत्र पीपल खूंट धरियाबद और अरनौद में इंटरनेट सेवाएं सुबह 10 बजे से अगले 24 घंटे तक बंद। विश्व पर्यटन दिवस पर कल प्रदेश भर के सभी स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया। प्रवेश के दौरान विभाग के कर्मचारियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है।
जयपुर के किशनपोल बाजार में स्थित विरासत संग्रहालय में स्थानीय कला को प्रदर्शित किया गया। स्थानीय कलाकारों की कलाकृतियों को डिस्प्ले किया गया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय बीकानेर में शिक्षा विभाग के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी धरना दिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और एनसीपी नेता नाराज, राउत और फडणवीस की मुलाकात पर सवाल। पालघर मामले में सीबीआई जांच में देर से दोनों संतों के परिवार नाराज, महाराष्ट्र जाकर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। कांग्रेस को आरजेडी ने दिया 60 विधानसभा और एक लोकसभा सीट का ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने असंतोषजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा राज्य में नहीं होने देंगे लागू। कर्नाटक में आज किसानों को बुलाया बंद। ड्रग्स केस में दीपिका सारा और श्रद्धा समेत 7 लोगों के मोबाइल फोन जब्त। कल 3 अभिनेत्रियों से एनसीबी की कई घंटे पूछताछ। क्या फोन से खुलेंगे ड्रग्स चैट के नए राज। मुंबई में एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने ली अहम बैठक। ड्रग्स केस में जांच होने की वजह से करण जौहर के घर पार्टी का वीडियो सही, फोन के डेटा से खुलेंगे राज। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना ने दिखाया दम। चुमार और डेमचौक में फॉरवर्ड पोस्ट पर T-72 टैंक की तैनाती। कश्मीर में आतंकियों से एक और मुठभेड़। बीती शाम पुलवामा के संबूरा गांव में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकी मार गिराए। उत्तरी अरब सागर में दिखी चीन के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी गठबंधन की ताकत। भारत और जापान की नेवी ने शुरू किया साझा युद्ध अभ्यास। और पंचायत चुनाव 2020 गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ है शुरू। 947 ग्राम पंचायतों को मिलेगा आज गांव का मुखिया। प्रदेश की 947 ग्राम पंचायतों पर मतदान शुरू और मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं मतदाता। मास्क सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर की 70 ग्राम पंचायतों में भी मतदान शुरू। तो पंचायत चुनाव को लेकर आइए इसकी रुख करें मनीष हमारे संवाददाता की ओर। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मनीष। मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनसे संपर्क कर रहे हैं। मनवीर, पंचायत चुनाव 2020 बहुत ही अहम गांव की सरकार चुनने के लिए, क्या हालात वहां से? सुबह से ही वोटिंग शुरू है 7:30 बजे से। देखिए गीतांजलि, जिस तरीके से कोरोना काल में ये पहले चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और उसको लेकर के चाहे निर्वाचन विभाग की बात कर लेते हैं या राजस्थान सरकार की बात कर लेते हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी पालना को सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उसके साथ साथ जो लोकतंत्र का ये महापर्व है ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रयास यही किया जा रहा है कि सरकार की और साथ साथ निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन हो, और यही वजह है कि हर मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश के साथ ही सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्या उसने मास्क पहन रखा है या नहीं पहन रखा है, साथ ही साथ जो थर्मल स्कैनर है उसके माध्यम से टेम्परेचर लिया जाता है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरीके से हो ये सुनिश्चित किया गया है, और इन तमाम तरह के उपायों के बाद जब मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए उस स्थान पर पहुंचता है तो वो अपने मताधिकार का उपयोग कर पाता है। जाहिर तौर के ऊपर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि गांव की सरकार का चयन किस प्रकार से हो। कोरोना काल का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन जो मतदाताओं का उत्साह है वो भी साफ तौर के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले जो हमने चरण देखे थे पंचायत चुनाव के, और उनमें जिस तरीके से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें और भीड़ हमने मतदान केंद्रों पर देखी, उस तरह के नज़ारे इसमें कोई दो राय नहीं है कि
अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अपनी गाँव की सरकार को चुनने के लिए। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में केकड़ी और साथ में सांवर जो पंचायत समिति है उसकी ग्राम पंचायतों के लिए चुनावों का आयोजन किया जा रहा है और अजमेर ग्रामीण की खोरी और कडेल ग्राम पंचायतों के लिए यहां पर मतदान इस समय चल रहा है। खोरी जो ग्राम पंचायत है उसके मतदान केंद्र पर इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं की जो आदम रफ्त है वो हमको यहां पर नजर आ रही है। तमाम मतदाता घरों से निकलकर यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूरी तरीके से पालन हो। बिल्कुल, उसका पालन हो और तमाम लोग उसका पालन करते नजर भी आ रहे हैं, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब सीधा एक बार हम रुक कर लेते हैं जयपुर की ओर भी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सीधा उनसे भी जानते हैं कि वहां क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं, जयपुर से क्या स्थिति वहां इस चुनाव के मद्देनजर। देखिए, करीब 6 महीने बाद गांव की सरकार को आज मुखिया मिलने जा रहा है। प्रदेश में 947 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव हो रहा है और ठीक 7:30 बजे जब मतदान का समय शुरू हुआ उसके साथ ही मतदाताओं का पहुंचना भी मतदान केंद्रों पर शुरू हो गया। राजस्थान में 947 ग्राम पंचायत है और जयपुर के अंदर 70 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहा है, जिसमें फागी, किशनगढ़, रैनवार और आंधी पंचायत समिति की 70 ग्राम पंचायत है जहाँ पर मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचा है। हालांकि इस बार कोरोना के बीच ये चुनाव हो रहा है, बड़ी चुनौतियां हैं, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करनी है क्योंकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। मतदान केंद्र पर एंट्री मतलब जब दी जा रही है जब उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद जो मास्क लगा के मतदाता पहुंच रहा है उसको ही मतदान केंद्र में एंट्री दी जा रही है। ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं फागी पंचायत समिति के एक ग्राम पंचायत की है, मतदान केंद्र की है, जहां पर मतदाता है सुबह 7:30 बजे पहुंचा। धूप तेज है तो यहाँ पर छाया पानी की व्यवस्था की गई है और मतदाता कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग कर रहा है, यानी कि गांव के मुखिया के लिए यहाँ पर मतदान कर रहा है। यानी कि 947 ग्राम पंचायतों में 31 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है जिस जिस ग्राम पंचायत में आज मतदान है, साथ में जो पर्यवेक्षक है उनकी मौजूदगी में आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, जो भी मतदान केंद्र के अंदर एंट्री कर रहा है उसको सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज करने के बाद उसको मतदान केंद्र में एंट्री दी जा रही है। कोरोना का तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एक सबसे अहम बात और अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले ये कोरोना काल से पहले जब चुनाव लड़ा जाता था तो वोटर्स को लुभाने की कोशिश होती थी और उसके बाद तरह तरह की जो चीजें हैं उनसे बात की जाती थी और तरीके जो है अलग अलग इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार वो तरीके जो है वो काम नहीं किए होंगे। कैंडिडेट्स ने इस बार अपने वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कुछ खास किया, जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि उसमें 5 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स के साथ प्रचार प्रसार में नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन जो वोट के लिए जो गोट होती थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा क्योंकि जब 6 महीने पहले चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर और कोरोना के कारण फिर टल गए थे, लेकिन जब कोरोना से पहले जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें वोट के साथ गोट भी हुआ करती थी और जो प्रचार के जो नए नए हथकंडे हैं वो अपनाते बिल्कुल नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रचार के वो हथकंडे काम नहीं किए हैं क्योंकि कोरोना काल है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनवीर आपका भी साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को, वहां के ताजा हालात को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।